इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अवाम का फैसला आ चुका है, एक नई भारत का आगाज होने जा रहा है, भारत का चेहरा बदल रहा है, सोचो फिक्र बदल रही है, क्योंकि इस भारत में, जिस गांधी के भारत में, अब नथुराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के दो बार वजीर आला रह चुके दिग्विजय सिंह को हराने वाली कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि बम धमाकों विस्फोट की मुजरिम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अवाम ने जनादेश के तौर पर जिता कर दिया है। इससे हम सोच लगा सकते हैं कि अवाम की सोच और फिक्र किस तरह से बदल रही है। मुजरिम होने के बाद भी जिसे अवाम कहती है कि यही वो लोग हैं और यही वो हमारे उम्मीदवार हैं, वो कायद हैं जो इस देश को सही तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। खैर, जिस नियत से अवाम ने फैसला दिया है उसके असरात भी अभी आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का हिमायती, जिसका नाम शुभम सिंह हिंदू कट्टर कहता है, इसने मासूम बेगुनाह मुसलमानों को पीटने का एक वीडियो वायरल किया है और उसमें वह खुद रामसेना से राबता करने का इश्तिहार भी देता है। इनकी सोच सकते हैं कि आखिर किस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। मोदी सरकार की शानदार जीत के बाद कुछ ही घंटे गुजरे हैं तो अब उसके नतीजे भी आना शुरू हुए, उसके असरात भी पूरे मुल्क पर देखने में आ रहा है कि कैसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। आप वीडियो देख सकते हैं, हमने वीडियो भी शुरू किया हुआ है, तो वीडियो भी देख सकते हैं कि तौसीफ नाम के नौजवान को और उसकी बीवी को और एक साथी को, तीनों को जो है बेरहमी से पीटा जा रहा है। देख भी नहीं सर, रूह कांप जाती है, इस तरह का माहौल वो बनाया जा रहा है। और बीच बीच में जो वीडियो उन्होंने खुद बनाया हुआ है और उसी में वो रामसेना से जुड़ने का पैगाम देता है, मतलब सोच सकते हैं कि आखिर इस तरह का माहौल किस दिशा में जा रहा है। कई सारे ऐसे वाकियात अब हर रोज होते नजर आ रहे हैं। एक और वाकिया बदरवाह गांव का है जो चिनाब झील के करीब है, जम्मू कश्मीर के करीब। इन्हीं राष्ट्रवादी हिंदू को आतंकवादियों ने 5 मासूम बेटियों के एक बाप को, नईम शेख जिसका नाम है, इसी गो रक्षकों द्वारा मार मार कर उसे जान से मार दिया गया, यहां तक कि उसे गोली भी मार दी गई। इसकी इनके हौसलों के देखिए इनका मियार कितना बड़ा हुआ है कि उन्होंने उसे गोली से मार दिया और ये भी कहा कि तुम गो माता को खाते हो इसलिए हमने तुम्हें मार दिया है। इसी तरह से गुजरात में दलित लड़का और लड़की जो मंदिर में जाकर शादी कर रहे थे, उन्हें बेरहमी से आला जात के हिंदुओं ने बेरहमी से पीटा, क्योंकि उनका कहना है कि निचली जाति के हिंदुओं को मंदिर में कतई इजाजत नहीं है और इसीलिए उन्हें बेरहमी से पीटा गया। खैर, करनाल के अंदर भी भगवा आतंकियों ने तो मस्जिद पर ही हमला कर दिया है उनका, हरियाणा के करनाल में। उनका कहना है कि अब हमारी हुकूमत है और तुम जो है अजान स्पीकर पर नहीं दे सकते और तरावी की नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों पर हमला किया, दीवारें तोड़ दी गई और मुकदमा तो दायर किया गया हुआ है, लेकिन भगवा आतंकियों के हौसलों की किस तरह से इनकी हिम्मत अफजाई होती जा रही है ये देख सकते हैं। ये भीड़ ने तो पथराव भी किया है, हमले के बाद जय श्री राम के नारे भी मारना वो नहीं चुके। खैर, भारत एक नई दिशा की तरफ जा रहा है। संविधान को बदलने की मांग इसी संगी गैंग, इसी चड्डीधारी गैंग की जानिब से जो किया जा रहा है, अब उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया जा रहा है और शायद जनता को भी यही मंजूर है, क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो जनता जिता रही है वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर है जिसने शहीद करकरे को शाप के जरिए से मार दिया था। नथुराम गोडसे की मोहब्बत इस प्रज्ञा ठाकुर के अंदर, जिसकी रगो पै में और कूट कूट कर भरी हुई है, और महात्मा गांधी को वो धर्म विरोधी कहती है, महात्मा गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बकती है। और ये सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव, अजमेर, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस, ऐसे कई बम धमाकों में मुलव्विस होने का इल्जाम इस पर है और वो अब जमानत पर बाहर है और इसी के हिमायत में अब लोग वोट करते हैं और उन्हें जिता कर लाते हैं।
धमाकों का इल्जाम जिस प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर है उसे आवाम ने जताया, ये मामूली बात नहीं है। इसको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ और हमारी जानिब से देश की जनता को भी हमारी ये गुजारिश है कि क्या अब आने वाले 5 सालों में देश के अंदर यही सब चलता रहेगा? क्या हमको महंगाई बेरोजगारी से भी बढ़कर हमें अब हिंदू राष्ट्र बनाना यही हमारा मकसद है? खैर, लेकिन देश की जनता अगर यही चाहती है तो हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही जमहूरियत है। मोदी सरकार की जीत के कुछ ही घंटों में जो हो रहा है, क्या यह सही है? जनता से, आवाम से हमारा सवाल है, क्या यही है? क्या देश की जनता यही चाहती है? खैर, आने वाला वक्त इन सवालों के जवाब देता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।